नमस्कार, मैं भरत साधु रामदल चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामदल चैनल का यही उद्देश्य जन जन को जगाना है, हमारे वैष्णव बांधव को हमारी मूलत परंपरा के साथ जोड़ना है, हमारी नई पीढ़ी को हमारे द्वाराचार्यों तक, हमारी द्वारा गादियों तक, हमारे पीठ मठ मंदिरों तक पहुंचाना है। और यह जागृति हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। राजकोट डिस्ट्रिक्ट जेतपुर तहसील के प्रकाश भाई अग्रावत के द्वारा एक सुंदर कार्य किया गया। जेतपुर तहसील के सभी रामानंदी साधुओं को, परिवारों को हमारी पुरानी पीठ, हमारा श्री संप्रदाय का मठ विश्राम द्वार का श्री शेष मठ सिंगड़ा का प्रवास करते हुए हमारी यह शेष मठ सिंगड़ा का दर्शन कराते हुए हमारे परंपराओं का ज्ञान दिलाने का, हमारे मठ तक ले जाने का, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद और नई पीढ़ी तक को जानकारी माहिती मार्गदर्शन देने के लिए यह प्रवास का आयोजन किया गया। साधुवाद देता हूँ, अगर हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारे जितने भी संस्थाएं, आगेवान मंडल जो भी चल रहे हैं, अगर हम हमारे द्वारा चारियों को के साथ हमारी द्वारा पीठों एवं पीठों तक पहुँचेंगे तो हमारा जो एक कड़ी था, जो हमारे पीठ एवं द्वारापीठ से जुड़ी हुई, वो फिर से स्थापित होगी। और ये स्थापित करने का कार्य हर एक आगेवानों को जैसे प्रकाश भाई अग्रावत जेतपुर ने किया वैसे करना चाहिए। चतुर संप्रदाय 52 द्वारा गोत्र के परिवार पूरे भारतवर्ष में वसवाट करते हैं। हमारे गुजरात में रामानंदी पहचान से सभी 52 द्वारा गोत्र के परिवार वसवाट करते हैं, स्थापित है। हमारा परम कर्तव्य है कि हमारी द्वारा पीठों का, हमारे द्वाराचार्यों का, हमारे पीठ एवं मठ, हमारे आचार्यों का दर्शन हमारी नई पीढ़ी को, हमारे परिवारों को कराने की आवश्यकता है। जो कड़ी हमारे द्वारा गादी एवं हमारे परिवारों गृहस्थ परंपरा के साथ थी वो टूट चुकी है। हमारे द्वारा पीठ पर कोई भी नहीं जा रहा है, तब राजकोट जिला में एक क्रांति आई है। रामदल का भी यही मुहिम है, यही मिशन है कि हमारा जो मूलतः परंपरा है उनसे हमारी नई पीढ़ी, हमारे परिवार जुड़े। और यह जोड़ने का अद्भुत कार्य, वो भी निशुल्क अपने खर्चे से, जेतपुर के प्रकाश भाई अग्रावत ने जेतपुर तहसील के परिवारों को श्री शेषमठ सिंगड़ा का दर्शन करवाया। श्री शेषमठ सिंगड़ा यानी विश्राम द्वार का, जो हमारी श्री संप्रदाय की अति प्राचीन गद्दी है। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी जब भारत भ्रमण कर रहे थे तब यह स्थान उसने जीर्णोद्धार किया, तो हमारे रामानंद संप्रदाय की वो प्रथम मुख्य गद्दी है, उसके अधीनस्थ में ही पालड़ी पीठ भी हमारी पीठ है। आज प्रकाश भाई को हम साधुवाद देते हैं कि उसके द्वारा जो कार्य किया गया, जेतपुर के सभी रामानंदी परिवारों को श्री शेषमठ सिंगड़ा का दर्शन करवाया, अपनी पीठ का दर्शन करवाया, अपनी मूलतः परंपराओं के साथ जोड़ने का अद्भुत प्रयास किया। अगर ऐसा ही प्रयास हमारे सभी राज्यों में हमारे सभी आगेवान एवं हमारे संगठन करेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो द्वारपीठ एवं हमारे पीठ मठ मंदिर के साथ जुड़ेगी एवं हमारी जो मूलतः परंपरा है उनसे जुड़ी रहेगी, कभी वहाँ से भटकेगी नहीं। तो फिर से एक बार हम जेतपुर रामानंदी साधु समाज को साधुवाद देते हुए यह कार्य सभी जिले या राज्यों में हो, सभी आगेवानों करे तो बहुत ही क्रांति आएगी। शंकरादि सेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्।
राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्। राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति।